राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी HK पर। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर RLA absence यही लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फाइनल ईयर का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया है, बस कुछ स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम चेक नहीं हुए हैं उसकी वजह से RLA लिख दिया है, या पेपर फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं जीमेल पे, स्पेशली फॉर रिपेयर स्टूडेंट्स, और रेगुलर का इतना नहीं है। बात की जाए, अगर अपने आप कॉलेज से कांटेक्ट करना है, पहले आपको जो मेल आईडी आपके रोल नंबर पे लिखी है उससे आपको पहचान करना है कि आपको आपका जो कॉलेज है वो कौन सा है। आपको वहाँ पे क्या करना है मैं आपको प्रूफ देता हूँ। हैंड रिटन में एप्लीकेशन लिखनी है विद एग्ज़ामिनेशन पेपर डेट, पेपर कोड भी लिखना है उसके ऊपर। आपको देख लिए, पेपर डेट लिखनी है कौन कौन से पेपर में, या किसी का, कईयों का बहुत सारों के रिजल्ट दिए हुए हैं, एक की वजह से अब्सेंट डाल दिया है, ठीक है। RLA में भी कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसी है, तो पेपर कोड अगर सब में तो सब डाल दो, पेपर कोड, ईमेल एड्रेस क्या है आपका, वेयर द ईमेल ऑफ आंसर शीट वाज सेंड, जहाँ पे आपने आंसर शीट सेंड की थी उसकी वहीं कॉलेज में आपने वो जमा कराना है जो एप्लीकेशन लिखोगे। सेंड बॉक्स ईमेल प्रिंट आउट, जो आपने एग्जामिनेशन वाले दिन अपनी मेल शीट सेंड की थी उसका स्क्रीनशॉट लेना है जिस डेट का है। आंसर शीट कॉपी, उसकी फोटोकॉपी करानी है। एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लेना है। क्वेश्चन पेपर अटैच विद एप्लीकेशन, और क्वेश्चन पेपर भी अटैच करने हैं एप्लीकेशन, और एक आईडी प्रूफ हो जाना चाहिए, आधार कार्ड हो या आपके पास आपकी कोई पैन कार्ड, कुछ भी चलेगा। सो बेसिकली जो आपको एप्लीकेशन लिखनी है वो असिस्टेंस रजिस्ट्रार्स के लिए लिखनी है। एक बार आपको समझ आ जाए, जो भी आपको एप्लीकेशन लिखनी है एग्जामिनेशन को लिखनी है, उसमें आपकी पेपर डेट, कब पेपर हुआ था, पेपर का कोड लिखना है, ईमेल जहाँ पे आपने आपके एडमिट कार्ड पे जो मेल लिखी है वो, ये सबमिट करानी है आपके कॉलेज में ना कि यूनिवर्सिटी में। सेंड बॉक्स ईमेल प्रिंट आउट, जो आपने मेल भेजा था एक बार उसका प्रिंट आउट लेना है। आंसर शीट की सबकी हार्ड कॉपी फोटो कॉपी लेनी है। एडमिट कार्ड लेना है फॉर द एब्सेंट स्टूडेंट, क्योंकि आपके जो शीट्स हैं उनको मिली नहीं है इसीलिए वो आपकी हार्ड कॉपी मंगा रहे हैं विद एडमिट कार्ड। और अगर किसी स्टूडेंट्स को जल्दी ही रिजल्ट चाहिए तो अपने कॉलेज आइए और उनको कहो मेरे को आगे एडमिशन लेना है, मुझे आगे एडमिशन लेना है, तो आप मेरे को प्रोविजनल रिजल्ट दे दीजिए। वो आपको हाथ के हाथ प्रोविजनल रिजल्ट बना के दे देंगे, या कल दे देंगे, या एक दो दिन लगेंगे, तो उनको आप बोलोगे तभी करेंगे, नहीं तो वो टाइम लगाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर लास्ट की वीडियो भी आप मेरी देखोगे तो RLA और अब्सेंट RPFD के बारे में ही है, आप ये जाके देख सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अभी अभी ओपन किया है आप सभी के लिए। आप सभी पर्सनली मेरे से यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट भी ले सकते हो पर्सनली। पीछे आज घर में बहुत वॉइस होने के बाद, मैरिज होने के बाद, तो घर में बनाना पड़ रहा है इसकी वजह से वीडियो, पर आपको आई होप कि सुनाई दे रहा होगा ठीक से। आप कुछ स्टूडेंट बहुत दूर से हैं, कोई उत्तराखंड से है, तो वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप जाओगे तो हमारी भी हेल्प करना। आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।